गहलोत मंत्री परिषद की बैठक आज। गहलोत मंत्री परिषद की बैठक में विधायी कार्यों को लेकर विचार संभव है। राइट टू हेल्थ, जवाबदेही को लेकर बिल, सहकारी संस्थाओं की रजिस्ट्रेशन संबंधी बिल को लेकर विचार संभव है। सेवा नियमों में संशोधन को लेकर विचार संभव है। इन्वेस्टर्स समिट के कार्यक्रम की रूपरेखा का अनुमोदन संभव है। आईपीडी टावर, हृदय रोग संस्थान के शिलान्यास कार्यक्रम और मेडिकल फेस्ट के कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर चर्चा संभव है। तो तमाम इन मुद्दों पर चर्चा संभव है। तो गहलोत मंत्री परिषद की आज बैठक होगी। गहलोत मंत्री परिषद की बैठक में विधायी कार्यों को लेकर विचार संभव है। अटकलें इसी बात को लेकर के तेज है कि आज की जो बैठक होगी मंत्री परिषद की, उस दौरान विधायी कार्यों को लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा। राइट टू हेल्थ, जवाबदेही को लेकर बिल, सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन संबंधी बिल को लेकर विचार इसमें किया जा सकता है। सेवा नियमों में संशोधन को लेकर विचार संभव है। इन्वेस्टर्स समिट के कार्यक्रम की रूपरेखा का अनुमोदन भी संभव है। आईपीडी टावर, हृदय रोग संस्थान के शिलान्यास कार्यक्रम और मेडिकल फेस्ट के कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर चर्चा संभव है। तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही जो आगामी दिनों में कार्यक्रम होने हैं, कई सौगातें और प्रदेशवासियों को मिलनी है, उसको लेकर भी रूपरेखा आज की इस बैठक में तैयार की जाएगी। अब इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, देखिए मंत्री परिषद की बेहद अहम बैठक होने वाली है और इसमें तमाम ज्वलंत मुद्दे भी होंगे चर्चा का विषय, और साथ ही आगामी कार्यक्रम को लेकर भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, जो सेवा नियमों में कुछ संशोधन है और विभागों के कुछ एजेंडे हैं बैठक में रखे जाने हैं, इसके साथ ही कुछ बिलों पर चर्चा हो सकती है, जैसे सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन संबंधी जो संशोधन का प्रस्ताव है उस संबंधी चर्चा हो सकती है। जवाबदेही कानून है, उस पर विचार किया जा सकता है कि इस सत्र में, मौजूदा सत्र में रखा जाए। इस तरह के जो बिल हैं वो इसमें रखे जा सकते हैं। इसी तरह से हेल्थ गारंटी वाला जो बिल है उसके लेकर भी समय समय पर चर्चा होती है, हो सकता है उसको भी फाइनल करके और सत्र में रखा जाए। तो इन तमाम बातों को रखा जा सकता है। जहाँ तक सौगातों की बात है, बहुत सौगातें देश की, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात है, बजट घोषणा किस तरह से इम्प्लीमेंट हो, इन तमाम बातों को लेकर, और फील्ड में जो बजट, अच्छा बजट जो दिया है उसका जनता में क्या मैसेज दिया जाए, उस तरह से और दोनों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। ऋतुराज, क्या कुछ और अन्य मुद्दे भी होंगे जो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? देखिए, अभी इसका एजेंडा जारी नहीं हुआ, लेकिन वो जल्दी जब एजेंडा जारी होगा तब सारी बातें स्पष्ट होंगी। जी, कब तक इसका एजेंडा जारी हो जाएगा? आजकल जो इसमें परंपरा सी बन गई है कि जो कैबिनेट की बैठक होती है उससे ठीक पहले एजेंडा मंत्री को दिए जाते हैं, और उसी को लेकर इस बार भी ऐसा ही संभावना लग रही। चलिए ऋतुराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।